यदुल्ला कॉलोनी वार्ड नंबर 29 के कॉरपोरेटर इमरान ने लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट श्री राधा कृष्ण और डडुमनी के सपोर्ट में गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम की लीडरशिप में डोर टू डोर कैंपेनिंग की, जहां पर कसीर तादाद में वार्ड नंबर 29 के रहने वाले बुजुर्ग नौजवान और खवातीन शामिल थे। एरिए के सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट श्री राधा कृष्ण और डडुमनी को भारी वोटों से जिताकर लाने का फैसला किया। वार्ड नंबर 29 के कॉरपोरेटर इमरान ने बताया कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद एरिए के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए मैनिफेस्टो से वो खुश हैं और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट श्री राधा कृष्ण और डडुमनी को वोट कर जिताएंगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज यहाँ वार्ड नंबर 29 में इमरान के वार्ड में हम लोग कैंपेनिंग किए हैं। अब यहाँ से वार्ड नंबर 18 को जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। थोड़ी पानी की तकलीफ़ है, हर जगह है, वो तो सबको है पानी की तकलीफ़, फिर भी माशाल्लाह से लोग तैयार है वोट डालने के लिए, निकल के इंशाल्लाह ताला 7 तारीख को। और अच्छा, लोगों में अच्छा रिस्पांस है और समझ गए लोग कि कांग्रेस को क्यों लाना है, इसीलिए समझ आ गई है वो लोगों को भी। अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार है। रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज वार्ड नंबर 29 में डोर टू डोर कैंपेनिंग रखा गया था। मैं मोहतरमा कनीस फातिमा एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ, मज़र आलम खान साहब और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स जो इस पदयात्रा में शामिल हुए थे, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर कैंपेनिंग में लोगों का जो है इस बार पॉजिटिव रिस्पांस आया है अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस को लेके। इंशाल्लाह ताला लोग कांग्रेस के हक़ में, राधा कृष्णा साहब के हक़ में वोट डालने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह आने वाली 7 तारीख को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड से इंशाल्लाह वोट कराएँगे। इंशाल्लाह रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आदाब। आज वार्ड नंबर 29 में एक पदयात्रा रखी गई थी। जिस तरीके से नॉमिनेशन डालने के बाद मुसलसिल हर वार्ड में पदयात्रा हो रही है, उसी तरीके से आज वार्ड नंबर 29 में मैडम के सदारत में यात्रा शुरू हुई है, जिसके पूरी निगरानी वहां के वार्ड के हमारे कॉरपोरेटर जनाब इमरान साहब और उनके साथ महबूब साहब, सरफराज खान साहब, अयास खान साहब, हमारे अजीम साहब, वायद अली फ़ातह खानी साहब, रियाज भटको साहब और तमाम एरिए के ज़िम्मेदार वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से वार्डों में हम जब जा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है लोग 7 तारीख का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये माहौल लोगों के बीच में चल रहा है। मैं लोगों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप अपना कीमती वोट सही तरीके से इस्तेमाल करिए और कांग्रेस के कैंडिडेट जो राधा कृष्णा साहब हैं उनका निशान 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे कांग्रेस का निशान है। आप 2 नंबर बटन पे वोट डालकर कांग्रेस को इस बार जिताइए। फिर एक बार मैं दिल की गहराइयों से हमारे इमरान भाई को और उनकी तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज वार्ड नंबर 29 में पैदल यात्रा हुई कांग्रेस की, सभी लीडर्स यहाँ पर आके गश्त किए हैं, राउंड मारे हैं, डोर टू डोर लोगों को मिले हैं। मैडम कनीस फातिमा, आप भी जो है ना लोगों से डोर टू डोर मिले हैं, लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे
इस पैदल यात्रा को कामयाब करने में येदुला कॉलोनी के वार्ड नंबर 29 के सभी नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, ये सब मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब किए हैं। और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन को लेके लोगों में एक कैफियत है परसेंटेज की, वोट परसेंटेज की। वोट परसेंटेज अगर अच्छा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी वोटर से कि सुबह जल्दी उठ के अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे एवरेज में, अच्छे परसेंटेज में वोट कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो राधा किशन साहब यहाँ से भी नो के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।